हेलो गाइस, जैसे सॉरी, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल है। डन थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम एक रिमोट कंट्रोल कार बनाने जा रहे हैं। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में एक कार बनाई थी जो काफ़ी काफ़ी पावरफुल थी। हम उसी कार को आज रिमोट कंट्रोल बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी जो चारों मोटर्स हैं उनके कनेक्शन एक साथ कर रखे हैं हमने, हमें हम उन्हें याद कर लेंगे। हम दोनों साइड के मोटर्स के कनेक्शन साफ रखेंगे जिससे कि कार मोड़ सकें। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, हम अच्छे से आपको सारे कनेक्शन समझा देंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से। तो गाइस, इस कार में हमने दो बैटरीज लगाई थी जो कि सीरीज में कनेक्ट थी, लेकिन अब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे क्योंकि जो रिसीवर हम ऑडियो इसमें यूज़ करेंगे वो हमसे मैक्सिमम 5 वोल्ट ही दे सकते हैं। हमने बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, तो अब हम बैटरी को चार्जिंग मॉड्यूल से कनेक्ट करते हैं। चार्जिंग मॉड्यूल के कनेक्शन काफ़ी ईजी होते हैं, आप आसानी कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो रेड और येलो आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स है। तो गाइस, हम ये रिसीवर मॉड्यूल इस कार में यूज़ करेंगे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं इसे। तो इसके कनेक्शन जो है वो काफ़ी इजी है। इसमें जो रेड एंड ब्लैक वायर्स है वो 5 वोल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट है, और जो वाइट एंड ग्रीन वायर्स है वो एक चैनल की है जिससे कि हम एक साइड के मोटर्स कनेक्ट करेंगे, और जो येलो एंड ब्लू वायर्स है वो दूसरे चैनल के हैं जिससे हम दूसरी साइड के मोटर्स को कनेक्ट करेंगे। तो अब हम जल्दी फील के कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस, अब हमने इनके कनेक्शन कर लिए हैं, और जो अलग से वाइट वायर है वो एंटीना का है जिसे हमने एंटीना से कनेक्ट कर रखा है। तो गाइस, अब हमारी कार जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं इसके रिपोर्ट पर। तो रिमोट बनाने के लिए हमने पीवीसी प्लास्टिक की सीट को कुछ ऐसे कट कर लिया है जिससे कि हम इसका बॉक्स बनाएंगे रिमोट का। तो हमने इस सीट में कुछ ऐसे होल्स बन लिए जिसमें हम स्विच और LED लगाए गए। ये हमने एंटीना और चार्जर सॉकेट के लिए होल करनी है। तो अब हमने स्विच फिट कर लिए है अपने रिमोट में। तो हम इसमें ये ट्रांसमीटर यूज़ करेंगे। इसमें हमें अलग से स्विच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें पहले से ही स्विच मैकेनिज्म दिया हुआ होता है
आप चाहे तो उसी का यूज कर सकते हैं। मैं इसमें अलग से स्विच लगा रहा हूँ, इसमें जो रेड एंड ब्लैक वायर्स है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव 5 वोल्ट इनपुट है, और जो वाइट वायर है वो एंटीना में है। तो अब हम जल्दी से इसके कनेक्शंस कर लेते हैं। तो गाइस हमारा रिमोट बनकर रेडी है, और अब हम अपनी गाड़ी के टायर्स भी लगा लेते हैं और फिर करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। गाइस बनकर रेडी है हमारी ऑफ रोडिंग रिमोट कंट्रोल कार, चलिए इसे देखते हैं। गाइस कुछ इस तरह से हम इस कार को मोड़ भी सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं, और ये कार काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग कर लेती है। आप देख रहे हैं इस इन पेड़ों पर ये कितने आसानी से चली जाएगी और वापस भी आ जाएगी।